दूर दूर तक फैली रेती में प्रकाश स्तंभ की तरह दिखाई देता। ये चौथी शताब्दी के अस्तित्व में आया किला जो राजस्थान के मध्य में स्थित है। यहाँ की छतरियों में सिमटा है यहाँ का सौंदर्य जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जोधपुर से 137 किलोमीटर दूर नागौर, इस मारवाड़ी माटी को कौन नहीं जानता। इस पहचान को और पुख्ता करता एक नाम जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी सेफ शॉप में एक स्थान दिलाया और नागौर के पहले डायमंड लीडर बने। ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम कौन है वो कौन है वो कहां से वो आया चारों दिशाओं में तेज सब छाया उसकी बुझाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया मिस्टर हरि नारायण। गांव मोतीराम की धाणी नागौर राजस्थान, यही निवास है स्वर्गीय श्री रामदेव चौधरी का और श्रीमती संजारी देवी का। चार बच्चों के माता पिता, इन्हीं के घर पहली संतान का जन्म हुआ 18/7/1985 को, नाम रखा हरि नारायण। छोटे भाई बहनों के साथ शुरू हुआ सफर प्राथमिक विद्यालय मोतीराम की धाणी तक पहुंचा, 6-10 सेकेंडरी स्कूल बड़वा से, 12वीं की SKN सीनियर सेकेंडरी स्कूल जावनीर से, इसके बाद बीए और एमए की सांभर कॉलेज से। मात्र 10 साल की उम्र में पिता ने साथ छोड़ दिया। जब उम्र खेलने की थी तो उस उम्र में पढ़ाई के साथ परिवार की जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया, खेतों में काम करना, और जब कभी खेतों में काम ना हो तो बेलदारी कर अपनी शिक्षा का खर्च निकालते, अपने भाई बहनों की इच्छाओं को पूरा करना एकमात्र लक्ष्य बना लिया, पर अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। राजस्थान के माहौल की वजह से मात्र 20 साल की उम्र में शादी हो गई। 5/5/2005 में पत्नी बनी दुर्गा देवी, गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई और अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाया। पत्नी दुर्गा देवी के भाग्य ने साथ दिया, 2007 को RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भर्ती हो गए। अब लगा जिंदगी की परेशानी दूर हो गई, पर भाई बहनों की शिक्षा और उनकी शादी की वजह से कर्ज हो गया। वो जल्द से जल्द उस कर्ज को चुकाना चाहते थे, पर अब वो पिता भी बन चुके थे, उसके भविष्य की चिंता भी थी, पर आय कम थी, तो एक लड़के को रख अपनी एक सोडा की दुकान खोली। पर इतना आसान नहीं होता व्यवसाय चलाना, वो भी दूसरों के कंधे पर, तो असफल हो गए और नई काम की तलाश करने लगे। इसी तलाश में मुलाकात हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी सेफ शॉप से और उसे ज्वाइन कर लिया। मालूम था काम करने के लिए सीखना जरूरी है, तो ट्रेनिंग लेते अजमेर में बड़ी मुश्किल से 60-70 लोगों की टीम बनाई।
पर यहां से नौकरी में ट्रांसफर दिल्ली हो गया। नया शहर, अजनबी लोग, तो काम करना और ज्यादा कठिन। अब पुरानी टीम दूर थी और नई टीम का बनना मुश्किल हो रहा था। थके नहीं, उम्मीदें भी बुझी नहीं, रात गुजरी आएगी फिर सुबह एक नई, हर नजरिए कह रही क्यों नबी सह रही। तब एक्टिव अपलाइन बट्टू राम सर से बात की, उन्होंने पंकज सर के पास भेज दिया। उन्हीं के साथ अब नई शुरुआत की हरि नारायण ने। पंकज सर ट्रेनिंग की उपयोगिता को समझाते, उन्हीं के साथ उसकी बारीकी को बताते जो उनके हौसलों को बढ़ा रहा था। पंकज सर ने पूरा पूरा सहयोग दिया। नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया। धीरे धीरे दिल्ली में भी पैर जमना शुरू हुए, टारगेट अचीव हुए, विदेश यात्रा की और अपनी सबसे बड़ी समस्या कर्ज से मुक्त हो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखी। आज सेफ शॉप में 10,000 से ज्यादा की टीम के साथ डायमंड शिप का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं मिस्टर हरि नारायण। We'll be right back.